अंगना एक बार फिर आपने बेहतरीन अदाकारी दिखाई है फिल्म में एज योर फिल्म टैगलाइन सेज हैश ट्रस्ट नो वन आपका ट्रस्ट किसने तोड़ा है और अब अपने ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए आप क्या करती हैं दूसरा एक और सवाल सुपर uh, थर्टी भी जल्द रिलीज होने वाली है उसके साथ आप सवाल में ही जवाब क्लैश <laughs> 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 से कैसे इस फिल्म को बचाएंगे नो वी आर नॉट क्लैशिंग विद डेट अलग है भाई

Ye ekdam is unsettling, so you go through various ex uh, experiences and to keep the ability to continue to trust people is, um, is very healthy, and you will completely, you will be finished without that ability. If you don't trust people, you don't have faith in life, if you, if you live in constant insecurity of being betrayed or cheated or something uh, going wrong you're already finished so to, to how to keep the ability to trust to have faith to be honest and to be able to uh, you know every day revive yourself is very important i do a lot to keep that ability on a very high scale not a mediocre scale if i at, as a kid if i left my home without even having any security you can imagine how high that ability of trust i had growing up and i realized that that is the primary reason of my success I keep that very high, whether I have to meditate or I have to, you know, um, whatever it takes, you know, I, I keep that. Uh, but I definitely um, I, I have a lot of faith in people. I don't get, mind getting hurt, but I do not want to hurt anyone. It's okay to get hurt, but in the anticipation of getting hurt to hurt people is wrong. कि आपके बारे में कहा गया है अरे कंगना वो पगली है ऐसी है कई आपके जवाब या जो भी विवादित बयान रहे हैं उसको लेकर तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हैं कि थोड़ा सा पहले लगा यार ये फिल्म मुझे ऑफ़र की जा रही है ऐसे नहीं आई थिंक मेरी जिंदगी में एक काफ़ी एक फेज़ आया था जिसमें मुझे ये कह क्या कि काफ़ी शेम करने की ओपनली कोशिश की गई थी कि ये एक्चुअली में इसको दिमागी प्रॉब्लम है ये मेडिकेशन पे है तभी ऐसे क्लेम कर रही है एंड उसका मैंने एक जवाब भी दिया था कि यू नो सो वॉट जबकि मैं किसी मेडिकेशन पे नहीं हूँ अगर मैं होती भी तो मुझे लगता नहीं मुझे शर्मिंदगी होती इस बात की लेकिन फिर जब मुझे कनिका जी ने ये रोल सुनाया तो ये बात ज़रूर है कि इसके करके जो सहानुभूति है वो बहुत ज़्यादा हो गई मेरी तरफ से कि मुझे ऐसा लगा कि ये रोल को मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे मेरी ही कहानी है क्योंकि अगर वो फेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता 2016-17 का था जो uh, उससे पहले अगर मैंने आपकी कहानी सुनी थी तो मुझे नहीं लगता ये भी एक इशू है के यू नो लाइक एक लड़की को सब पगली पगली बुलाते रहते हैं और उसकी और यू you नो know, वो भी थोड़ा सा ऑफ है थोड़ा ऑफ बीट है तो आ, ये जो मेरी ज़िंदगी में जो फेज़ आया उसके करके मैंने मैंने बहुत रिलेट किया इस फिल्म से आई थिंक सो मुझे एक्चुअली मैं ना कॉम्प्लीमेंट लगता है और ना किसी तरह का ह्यूमिलिएशन um, लगती एम ओके okay, अगर मेरे बारे में लोग uh, या yeah, अगर मुझे लोग झांसी की रानी सोचते हैं मेंटल सोचते हैं वो लमे सोचते हैं या गैंगस्टर की मोल समझते हैं या तन्नू समझते हैं दत्तो समझते हैं सो फॉर मी इट इज नीदर अ कॉम्प्लीमेंट नोर अशन आई टू एड कि कहानी का टाइटल बाद में आया कहानी पहले आई और वो कहानी um, बहुत कम एक्टर्स पुल ऑफ कर पाते सो आई मीन दैट वॉज वन ऑफ द मेन रीजन दैट Yeah, I think I don't think uh, Kanika ever thought of her character as a mental. She, uh, the, when she offered the film to me, the film was called "Bobby." So I don't think in her mind she has ever been harsh to her character. So it was actually a very pleasant uh, take on somebody who's so prejudiced in the society. One sec, we'll just. Uh, when we said raw and uncensored, we really meant it. Yeah. This is going to be one of those really raw and uncensored uh -huh. but, मेरा सवाल आपसे है कोलमैन uh, ने अपनी जो बुक है कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर उसमें लिखा है कि मेंटल इलनेस कोई खराब चीज़ नहीं है छुपाने की चीज़ नहीं है यही बात दीपिका पादुकोण ने मंच पे आकर कहा कि जब वो स्ट्रेस में थी और उन्होंने कहा कि ये चीज़ इसमें अवेयरनेस आनी चाहिए लोग जो साइकेट्रिस्ट है उनके पास जाने से घबराते हैं आप इसे किस मायने में लेती हैं और ये फिल्म उन लोगों के लिए कितनी महती होगी uh, ये uh, देखिए ये फिल्म जो है ये डेफिनेटली इट इज इट इज अगर आप सोचे कि मेंटल इलनेस के अराउंड ही स्ट्रक्चर्ड uh, है या इसके अंत में एक आके आ आपको एक सल्यूशन मिलता है एक सुझाव मिलता है ये वैसी फिल्म नहीं है बिल्कुल भी ये एक फिल्म है जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट जैसे हम मुझे ये जो रेवोल्यूशनरी इस लेवल पे लगा कि हमने हमेशा देखा है एक मेन स्ट्रीम हीरोइन जो होती है वो आ, चर्पी बहुत ज़्यादा होती है खुश बहुत होती है हमेशा उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ उसकी वो कॉलेज में भी मोस्ट पॉपुलर होती है फिर जब उसकी शादी होनी होती है तब उसको सारे लड़के उसी से शादी करना चाहते हैं फिर उसके बाद जब वो जॉब में जाती है फिर बॉस को उसी से प्यार होता है सो तो ऐसे तो हमने देखा है आज तक पर हमने ऐसा नहीं देखी कोई जो लड़की है जिससे जिसको अपने भी इशूज़ हैं उसके कंडीशन हैं उसको जो मेडिकेशन पे है वो कंडीशन है बट तो इस इस तरह की जो एक कैरेक्टर है मेन स्ट्रीम हीरोइन है जो कि एक मेंटल इलनेस से डील कर रही है और उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है और ये उसकी कोई सॉप स्टोरी नहीं है वो ख़ुद को कत्ल नहीं कर देती है लास्ट में अक्सर इन कैरेक्टर्स को देखा जाता है कि वो खुद को मार डालते हैं तो आस के लोगों को मार डालते हैं सो so, एक तरह से डार्क स्टोरीज़ में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सो आई लाइक जो कैसे कनिका के कैरेक्टर जो है कैजुअली वेयर्स इट ऑन देयर स्लीव जैसे ये बॉबी भी है खुद का भी मजाक उड़ाती है और उसकी सिचुएशन का भी मजाक उड़ाती है सो so, uh, अब है जो है वो है सो so, जो मेन स्ट्रीम हीरोइन का जैसे हमने तन्नू के साथ में भी एक लड़की जो लड़के घुमाना जानती है तो एक जो एक रेवोल्यूशन आया था और वो डेफिनेटली वैम्प नहीं है सो so, वो एक तनु से पहली बार आया था हिंदी फिल्म की हीरोइन जो है वो लड़के घुमा रही है और अच्छे से घुमा रही है एंड शी इज़ नॉट अ वैम्प सो उस तरह से एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस है जो कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस बट वो यू नो शी इज़ नॉट हैंगिंग हर सेल्फ एंड शी इज़ नॉट सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड सॉबिंग अबाउट इट शी इज़ डूइंग हर बिजनेस शी इज़ डूइंग अ जॉब शी इज़ ट्राइंग टू सी द सिल्वर लाइनिंग ये ये सबसे बेहतरीन बात है हाई राइट राइटेल या आगे हाय कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम हम टाइटल की बात करते हैं पहले मेंटल है क्या था अभी जजमेंटल हो गया यू आर अ फाइटर बट देन यू रियली एक्सेप्टेड दिस टाइटल वेरी इजीली आर यू रियली वेरी सैटिस्फाइड विद दिस थिंग एक्चुअली क्योंकि हमने तो फिल्में बहुत सी देखी जिसके टाइटल बहुत ही मतलब ख़राब होते हैं मेंटल है क्या वाज नथिंग लाइक वेरी ऑफेंसिव साइड ऑफ थिंग पर अभी जब जब कोई भी चीज़ कंगना और की होती है ना तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है तो तो मुझे पता है हमको जो है हम जो आउटसाइडर्स होते हैं हम अगर चलते भी हैं सांस भी लेते हैं ना तो, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो वो उस सब को ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं तो uh, तो आई थिंक uh, हम लोगों को कई तरह तरीके के थ्रेट्स से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पे कर दिए थे और uh, ऐसा कहा जा रहा है जबकि जो कीक है उसका साउथ टाइटल जो किक फिल्म है uh, सलमान जी की उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है पर uh, हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है और हमको पेशी के बाद पेशी जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया पर जो साइकट्रिक एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में ही कुछ में कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है सो so, फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट माई चॉइस बट वी ट्रूली बिलीव के जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारी सिंसियरिटी है और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है वो भी उन्हीं ने वहाँ पर उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफी हैवी दिल से कहा फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर तो <laughs> इतने जितने भारी दिल से उन्होंने कहा वो देख के हमें भी थोड़ा सा <laughs> वो हो गया सो सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आर इंटेंशंस एंड जिस इश्यू को लेके जिन लोगों को लेके बनाई गई है तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक चला कि लाइफ में थोड़ा यू हैव स्टार्टेड यू नो थोड़ा कूल cool डाउन होना भी जरूरी है आई मीन टू से हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा uh, जैसे अपने टाइटल को लेकर थोड़ा आपने सोचा कि चलो रास्ता बना लो तो हैव uh, यू थोड़ा आपका जो थाट प्रोसेस has... हाँ मेरी मम्मी को एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तीस के बाद थोड़ा काम डाउन होती <laughs> जाएगी होती जाएगी फिर <laughs> <laughs> हेलो तीस uh, मेरा हो गया है अब धीरे 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 इसके अंदर की आग बुझती जाएगी बुझती जाएगी बुझती जाएगी तो वो हो रहा है आई कैन सी हेलो कंगना जी मेरा सवाल आपसे है कि लाइक uh, like, uh, ये जो पिक्चर का ट्रेलर देखा उसमें पुलिस वाले बोलते हैं कि ये दोनों बोलते हैं ना पागल बन के हमको पागल बना रहे तो ये बोल सकते कि आप दोनों सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और येड़ा बन के पेड़ा खा रहे <laughs> ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी <laughs> तो मतलब जजमेंट मेरा सही नहीं कर रहा है जजमेंटल क्या बता आप देखें <laughs> कि इसका जजमेंट सही है और असल जिंदगी में भी बोले कि आपने बताया कि 16 17 में लोग आपको पगली कहते थे लेकिन आपने उसमें भी सबका बैंड बजाया हुआ है तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप आई थिंक मुझे जितना लोगों से प्यार मिलता है जितनी सराहना मिलती है जितना एक्सेप्टेंस मिलती है इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने ऑनेस्टली जितना मुझे लोगों से प्यार मिलता है इट इम्पावर्स मी अगर मुझे लोग प्यार ना करें मेरी मेरे काम को ना सराहें मेरी फिल्मों को ना सराहें देन प्रोबेबली आई डोंट स्टैंड एनी वे मगर बट आई थिंक आई एम एम्पावर्ड बाय सो मैनी पीपल हु लव मी ऑन ऑन मेनी लेवल्स आई फील सम पीपल हु हैवेंट इवन सीन माई फिल्म दे लव माई पर्सनैलिटी एंड सम देर आर फैंस हु लव माई एक्टिंग आर नॉट ओके विद माई पर्सनैलिटी सो देर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ पीपल एंड हाउ दे अप्रिशिएट मी आई आई एम रिये हम्बल्ड कंगना जी आपके सामने आ... हाय आपके ठीक सामने हाय हाय कंगना जी यू you नो know, uh, हमारी हिंदी फिल्म हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि कंगना जी ने हमारी लाइफ की डाली काट कर रख दी है हमारी ज़िंदगी परेशान करके रख दी है तो ऐसे लोगों को कंगना मानती हैं कि वो मेंटल है या जजमेंटल है वो वैसे लोग हैं वो जो मैम कह रहे थे ना एड़ाबन के पेड़ा खाने के चक्कर में है <laughs> वो वैसे लोग हैं सो आई थिंक कुछ लोग जो हैं जिनको आई uh, थिंक कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली हेड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और खुद भी मेंटल बन के रहते हैं दूसरों को भी मेंटल सो so वो सब एक अलग पूरा uh, ज्योमेट्री है वो इंडस्ट्री का वो सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बट डेफिनेटली जजमेंटल तो वो नहीं है आई थिंक समवेयर दे रिकगनाइज माई स्पार्क एंड समवेयर दे नो कोई मेरे दोस्त ही थे जो मुझे कह रहे थे यार तुमको कितने लोग परेशान करते हैं सो आई वॉज टेलिंग दैम कि अगर ये लोगों ने इतनों को टॉच अगर मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं होता अगर कोई स्टैंडिंग नहीं होती तो क्या ये लोग मेरा फ़ोन भी उठाते थे परेशान करने की तो सोचो अगर मैं खुद सामने से जाके बात करती मुझसे बात नहीं करते अब सारा दिन मेरे काम में लगे रहते हैं नेचुरली इज बिकॉज आई हैव अ स्टैंडिंग सो आई डोंट माइंड इट आपने बताया कि अब आप तीस की हो गई अब शायद आप शांत हो जाएंगी तो तीस क्रॉस करते करते कोई और भी ऐसी पर्सनालिटी है जिसे आप एक्सपोज करना चाहेंगे uh, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को एक्सपोज करती हूँ आई थिंक वो थोड़ा ऐसा हंसी मजाक में भी लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं सो आई आई वॉन्ट टू आई कीप इट वेरी लाइट चाहे मैं देश के बारे में बात करूँ मैं सारी कॉमन सेंस की बात करती हूँ वो खुद ही एक्सपोज होते रहते हैं सो आई आई डोंट थिंक देर इज़ एनी थिंग फॉर मी टू डू मैं जैसे कहती हूँ अपने दुश्मनों के बारे में कि मतलब उनको मेरी क्या ज़रूरत है वो खुद ही अपने खुद के काम में लगे पूरे हैं इतनी बुरी तरह से खुद को एक्सपोज करने में सो आई डोंट थिंक दे नीड मी